शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को टॉप 10 में लाने के लिए नगर निगम में काम प्रारंभ कर दिया गया और प्रत्येक माह की नगर निगम की जो गतिविधियां हैं उनको AIMS और स्वच्छ मंच को पोर्टल पर लोड कर रहे हैं और जो 2023 की मुहिम है कूड़े से कैसे धन की प्राप्ति करेंगे, कूड़े को इकट्ठा किया जाता है, उसे कबाड़ी खरीदते हैं तथा उस कूड़े को मशीन में कंपोस्ट करके कानपुर भेजा जाता है, वहां से जो पैसा आय होता है उस पैसे को कबाड़ियों के बीच में बांटकर उनके परिवार का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गोरखपुर जनपद को टॉप 10 शहरों में लाने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने अपनी एक्सरसाइज प्रारंभ कर दिया है और प्रत्येक माह की जो हमारी गतिविधियां हैं उनको हम लोग MIS और स्वच्छ मंच पोर्टल पर लगातार लोड कर रहे हैं। और इस बार की जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है, मुख्य फोकस है वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े से कैसे हम धन अर्जन करेंगे, कैसे हम राजस्व प्राप्त करेंगे। जैसे कि बहुत जगहों पर आपने भी देखा होगा, इसके पहले भी गोरखपुर भी इस प्रकार के काम कर रहा है कि गीले कूड़े को, सूखे कूड़े को घर से ही हम लोग सेग्रीगेशन के माध्यम से ले रहे हैं, डोर टू डोर कूड़ा जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी आय हो रही है, बहुत बड़े एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसमें से भी जो हमको आय हो रही है उसमें से हम 10% अपने ड्राइवर को, अपने क्लीनर को, जो क्लीनर हेल्पर और सुपरवाइज़र, इन सबको हम लोग 10% इंसेंटिव भी अलग से दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर 100 रुपये मिलता है हमारे पास आता है तो उसमें हम 30 रुपये से ऊपर इन कर्मचारियों को एज बोनस, एज इंसेंटिव उनके गुडवर्क के लिए दे रहे हैं। इससे उनके बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारा MRF सेंटर है, जो हमारा कान्हा गौशाला है, दोनों जगहों पर हम लोग वर्मी कंपोस्ट और फूलों से भी कंपोस्ट बना रहे हैं और इसको हम लोग मार्केट में संजीवनी के नाम से ऑर्गेनिक कंपोस्ट करके इसको सेल कर रहे हैं, उससे भी हमारे पास बहुत अच्छी आय हो रही है। इसके साथ साथ गोरखपुर नगर निगम जो पहले बाहर से कंपोस्ट को खरीदता था, खाद को खरीदता था अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पार्कों को और जो हमारे यहाँ प्लांट्स हैं उनको जो खाद की सुविधा देने के लिए उसकी भी हम लोग खरीदारी वहीं से कर रहे हैं, तो उससे भी एक बहुत अच्छी आय हमें हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक रैक पिकर्स के माध्यम से, रैक पिकर्स का एक ग्रुप बना रखा है और साथ साथ उन रैक पिकर्स के द्वारा जो कूड़ा खरीदा जा रहा है उस कूड़े को हम लोग जो इकट्ठा कराते हैं और उसको कबाड़ी लोग खरीदते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है, उन मशीनों से उनको कंप्रेस करके हम लोग जो है कानपुर भेज रहे हैं, वहाँ से जो पैसा आय हो रही है उस पैसे को तो हम लोग इन रैक पिकर्स के बीच में, कबाड़ियों के बीच में बांट कर इससे इनके परिवार का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का एक बहुत ही नोबेल काज को लेकर इसकी थीम रखी गई है वेस्ट टू वेल्थ और निश्चित रूप से इससे जो लोग अब तक समझते थे कि जो कूड़ा किसी काम का नहीं है और अब ये कूड़ा जो है कंचन बन गया है और लोगों की आय का एक बहुत अच्छा स्रोत बन गया है।